तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं हूं पल्लवी, और आज के इस वीडियो में मैं आपको ओपन बॉडी लोडर के बारे में बताने वाली हूं। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको ओपन बॉडी की 2D ड्राइंग बना के आपको दिखाई थी कि हम ओपन बॉडी की 2D ड्राइंग कैसे बनाते हैं, वो आगे से कैसे दिखाई देती है, साइड से कैसे दिखाई देती है, रियर बॉडी से कैसे दिखाई देती है। एंड मैंने उसका आइसोमेट्रिक व्यू आपको 2D में बना के दिखाया था। एक्चुअली मेरी बात आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में हुई थी कि मैं आपको 2D में 3D में क्रिएट करके दिखाऊंगी, बट कुछ टेक्निकल इशूज़ के कारण मैं आपको 3D में अभी कन्वर्ट करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है सडनली, और जब तक वो सही नहीं हो जाती मैं आपको 3D में क्रिएट करके नहीं दिखा सकती। तो मैंने आपको उसमें पाइप वगैरह यूज़ कौन कौन से पाइप उसमें यूज़ होते हैं वो नहीं बताए थे। तो मैं आपको इस वाली वीडियो में जो भी उसमें पाइप वगैरह यूज़ होते हैं हमारे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर देखते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ आगे वाली। अगर हम उसके फ्रंट में कोई भी हम पाइप यूज़ करते हैं तो कौन कौन से पाइप हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, शायद आपको 2D में समझ में ना आए अच्छे से, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आप सभी को 2D में समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये मेरा पाइप होता है। हम ठीक है फ्रंट फ्रंट बना रहे हैं इसकी, फ्रंट व्यू। ओके, तो ये वाली जो चीज़ मैंने बनाई है अभी आपने देखी है, ये वाली जो देखी मैंने चीज़ बनाई है, ये क्या है, ये वेल्ड के जॉइंट है, ये वेल्डमेंट के जॉइंट है। ओके, हम ये हमारा पाइप है, हम इसमें कौन सा पाइप यूज़ करते हैं, हम इसमें 50-25 का पाइप यूज़ करते हैं। अगर ये हमारा पाइप है, इस टाइप का हमारा पाइप है, तो हम ये कौन सा यूज़ करेंगे, 50। ठीक है, और जो पाइप का ये वाला सिरा है, नहीं सॉरी, ये 25 का यूज़ करेंगे और ये 50 का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक पाइप यहाँ पे और डालते हैं, ये भी हमारा 25-50 का पाइप होता है। उसके बाद दो पाइप हम ऐसे डालते हैं, ये पाइप हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे तकिए इस पाइप के बीच में आ जाए। एक्चुअली ये ना पत्तियां होती हैं हमारी, जिस पे दो होल होते हैं, इन पे दो होल होते हैं और इन पे तकिया लगता है, यहाँ पे आके तकिया लगता है मेरा, इन पे कसता है। ठीक है, अब हम देखते हैं साइड व्यू, इसका साइड व्यू कैसे होता है। अब ए वाला जो है मेरा, ये 50, ये वाला पाइप है 25-50 का पाइप है ये वाला। ठीक है, ये पीछे की तरफ से, ये आगे से ऐसा दिखता है इतना चौड़ा, और साइड से ऐसे दिखता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये मैंने आपको डाला दिखाया था ना उसमें, ये वाला डाला साइड वाला, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया बेस, ये बेस वाले का पाइप हो गया मेरा, जो नीचे चलता है उसका बेस का पाइप हो गया, जो मेरा 50-25 में चलता है, ये 25 वाला सिरा हो गया। उसके बाद हम डाले में पाइप लगाएंगे, ये जो है ये मेरे 50, ये भी 25-50 के पाइप जो इसमें ये वाले लग रहे हैं, और ये मेरी कट वाली वेल्डिंग हो रही है ये, और ये वाले इसके अंदर क्या है हमारी, इसके अंदर हमारी शीट है, शीट मतलब इसके अंदर हम चादर हैं, इसके अंदर हम चादर, हम 18 गेज की भी यूज़ कर सकते हैं, 22 गेज की भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कितनी हैवी चादर के अंदर लगा रहे हैं, हमें कितनी हैवी अंदर चादर इसके चाहिए। ठीक है, अभी उसके बाद हम इसका पीछे वाला डाला देखेंगे, पीछे वाला भी सेम ऐसे ही बनता है, ये
पीछे वाला भी मेरा सेम ऐसे ही बनता है, इसके अंदर चादर आती है और ये भी मेरा 50-25 के पाइप में बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अब इसका बेस जिस पे ये डाला खड़ा होता है, ये वाला जो बेस है मेरा, ये वाला जो मेरा बेस है, इसमें एक पाइप ये वाला आता है, एक पाइप ऐसे आता है, फिर एक पाइप ऐसे आता है, फिर मेरे दो पाइप ऐसे आते हैं। इन दो पाइप पे मेरा क्या होता है, ये वाले गुगली क्लैंप होते हैं यहाँ पे दो, जो कि चेजिस पे जाके अटते हैं। चेजिस के ऊपर ये बेस पलट दो तो बैठता है, उस पर ये फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, एक मेरा यहाँ पे होता है शॉकर के लिए। ठीक है, तो ये भी मेरा कितने का पाइप होता है, ये भी मेरा 50-25 पर का पाइप होता है, जो कि मेरा 50 ऐसे आता है, 25 मेरा ऐसे आता है। ठीक है, तो ये भी 25-50 के पाइप यूज़ हो रहे हैं इसमें। ये मेरा बेस है, बेस के ऊपर मेरा ये वाली चीज़ जाएगी इधर के साइड, उसके बाद साइड में, उसके बाद बैक में। तो ये मेरा ओपन बॉडी लोडर का 2D ड्राइंग था कम्प्लीटली। तो बस जो पाइप इसमें यूज़ होते हैं वो 25-50 के पाइप इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें तीन तरीके के डाले होते हैं। ठीक है, जो ये वाला मेरा आगे वाला पोर्शन है ये मेरा फिक्स होता है, और साइड का ये वाला पल्ला है ना, और ये वाला पल्ला नीचे वो गिरा सकते हैं, और राइट इसमें 3 पल्ले होते हैं, 3 ओपन होता है, जिसमें कि लेफ्ट राइट और बैक हम तीनों को गिरा सकते हैं। और फ्रंट साइड से ये क्या होता है, फिक्स होता है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलती हूँ मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ में। थैंक यू।